हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बातें करने वाले हैं रियलमी 9 प्रो एंड प्रो प्लस के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि रियलमी 9 आई वियतनाम के अंदर लॉन्च हो चुका है एंड बहुत ही जल्द हम लोगों को इंडिया के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। जनवरी लास्ट वीक तक रियलमी 9 आई लॉन्च हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इंडिया के अंदर। एंड इसी के साथ साथ रियलमी UI 3.0 की जो रोड मैप है ना, निकल के आ चुका है। रियलमी UI 3.0 की अपडेट फरवरी के अंदर हम लोगों को लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। गाइस, इस रोड मैप के अंदर ना रियलमी 9 प्रो एंड प्रो प्लस को भी क्लियरली मेंशन किया गया है। सो इसका मतलब ना क्लियरली निकल के आता है कि रियलमी 9 सीरीज के अंदर अपना 9 प्रो एंड प्रो प्लस फरवरी के अंदर ही लॉन्च करेगा। और इसी के साथ साथ रियलमी 9 प्रो एंड प्रो प्लस के बारे में रिसेंटली 100% कन्फर्म स्पेक्स बाहर निकल के आ चुका है, जिसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे रियलमी 9 प्रो एंड प्रो प्लस के बारे में हर एक स्पेसिफिकेशन, साथ ही साथ जानेंगे क्या कुछ प्राइस हम लोगों को इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, कब तक स्मार्टफोन का लॉन्चिंग इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट से कर लेना भाई सब्सक्राइब। एंड एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ यार लाइक भी कर लेना, आपकी एक लाइक से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो डेफिनेटली एक लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सबसे पहले दोस्तों बातें कर लेते हैं इस फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में और वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, यहाँ पे जो रियलमी 9 प्रो एंड प्रो प्लस है ना, इन दोनों के अंदर ही हम लोगों को एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे निकल के आ चुका है रूमर्स के अकॉर्डिंग, लीक्स के अकॉर्डिंग, कुछ भी कह सकते हो, अब तो कन्फर्म है कि 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ हम लोगों को रियलमी 9 प्रो एंड 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ रियलमी 9 प्रो प्लस लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे पंचोल कटआउट वगैरह देखने को मिल जाता है सिंगल सेल्फी शूटर कैमरा के साथ। पीछे हम लोगों को ट्रिपल लेयर कैमरे के साथ LED फ्लैशलाइट स्क्वायर मॉड्यूल के अंदर कैमरा हाउसिंग देखने को मिल जाता है। जो रियलमी 9 प्रो है ना, इसके अंदर 64 मेगापिक्सल मेन प्राइमरी शूटर के साथ एडिशनल 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का हम लोगों को मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। अब अगर बातें करेंगे दोस्तों रियलमी 9 प्रो की, तो यहाँ पे हम लोगों को 108 मेगापिक्सल मेन प्राइमरी कैमरे के साथ, सेम यहाँ पर भी हम लोगों को जो है 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो देखने को मिल जाता है। सिंगल सेल्फी शूटर कैमरे के साथ दोनों स्मार्टफोन के अंदर ही 16 मेगापिक्सल पंचोल कटआउट के अंदर सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बातें कर लेते हैं दोनों फोन्स की चिपसेट के बारे में। तो कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा था चिपसेट को लेके रियलमी 9 प्रो एंड प्रो प्लस के अंदर। रिसेंटली एक इन्फॉर्मेशन निकल के आ चुका है कि दोनों के दोनों स्मार्टफोन के अंदर ही हम लोगों स्नैपड्रैगन की तरफ से 695 का चिपसेट देखने को मिलेगा। गाइस, यहाँ पे ऑन पेपर देखा जाए तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 सीरीज से अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है स्नैपड्रैगन की तरफ से, जो 695 का चिपसेट हम लोगों को रियलमी 9 प्रो एंड प्रो प्लस के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी लॉन्च के बाद ही पता चलेगा, रियल लाइफ टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा कि किस टाइप का परफॉर्मेंस हम लोगों को स्नैपड्रैगन 695 के साथ देखने को मिलेगा। गाइस, इसी के साथ साथ बातें कर लेते हैं इन दोनों फ़ोन्स की बैटरी के बारे में। तो दोनों के दोनों स्मार्टफोन के अंदर 5000mAh बैटरी के साथ देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि 33W का फास्ट चार्जिंग दोनों के दोनों स्मार्टफोन के अंदर ही प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि रियलमी 9 प्रो प्लस के अंदर भी हम लोगों को 33W का फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे CQC वेबसाइट के ऊपर पहले ही इन्फॉर्मेशन निकल के आ गया था कि रियलमी 9 प्रो प्लस के अंदर हम लोगों को 65W का फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड किया जाएगा, चार्जर लिस्ट हो चुका था। बाकी यहाँ पे दोस्तों अगर प्राइसिंग एंड लॉन्चिंग के बारे में बातें करें तो रियलमी 9 प्रो एंड प्रो प्लस इंडिया के अंदर एंड इसी के साथ साथ ग्लोबली हम लोगों को जो है फरवरी के अंदर अंदर ही देखने को मिल जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे फरवरी के अंदर ही आने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को प्राइसिंग देखने को मिल सकता है रियलमी 9 प्रो अंडर 20,000 के आसपास में। अब लग रहा है कि प्राइसिंग थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कटिंग के लिए 60Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 90Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ हम लोगों को प्रो प्लस देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे स्नैपड्रैगन 695 भी दिया जा रहा है, 64 मेगापिक्सल कैमरा के ऊपर भी कॉस्ट कटिंग किया गया है। दोस्तों यहाँ पे रियलमी 9 प्रो प्लस इस फ़ोन की प्राइसिंग हो सकता है हम लोगों को इंडिया के अंदर देखने को मिल जाए 22,000 के अंडर में। तो यही कुछ फीचर एंड स्पेसिफिकेशन रियलमी 9 प्रो एंड प्रो प्लस के बारे में निकल के आया था। बाकी आप लोगों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, अपना थॉट, अपना ओपिनियन रियलमी 9 प्रो एंड प्रो प्लस के बारे में आपके हिसाब से क्या लगता है। सो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।